For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. कपिल शर्मा की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली है। काफी समय से बुरे हालातों का सामना करने के बाद कपिल फाइनली रिकवर कर रहे हैं और पंजाब में अपनी गर्लफ्रेंड गिन्नी के साथ शादी करने वाले हैं। मगर उनकी खुशी उनकी पर्सनल लाइफ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्रोफेशनल फ्रंट पर भी कपिल छोटे पर्दे पर अपने शो द कपिल शर्मा शो के साथ करने वाले हैं कमबैक। और इस शो को कोई और नहीं बल्कि सलमान खान कर रहे हैं प्रोड्यूस। जी हाँ, ये सच है। सभी जानते हैं कि कपिल पहले अपने शो को खुद ही प्रोड्यूस करते थे, मगर इस बार वो ये नहीं कर पाए तो उन्होंने कई प्रोड्यूसर्स के दरवाजे खटखटाए, मगर उनकी कंट्रोवर्शियल पास्ट के चलते कोई भी कन्विंस नहीं हुआ। ये देखते हुए सलमान खान ने रिस्क लेते हुए कपिल को एक और मौका देने का सोचा और उन्होंने कपिल के शो को प्रोड्यूस करने का डिसीजन लिया। इनफैक्ट इस शो का पहला एपिसोड आज रात शूट होगा और गेस व्हाट, सलमान खुद इस शो के पहले मेहमान होंगे। अब ये तो वाकई में काफी इंटरेस्टिंग एपिसोड होगा जो कोई भी फैन मिस नहीं करना चाहेगा, है ना? अपने करियर में एक लल देखने के बाद कटरीना कैफ ने एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर वापसी की जब उन्होंने पिछले साल दिसंबर में फिल्म टाइगर जिंदा है के लिए अपने एक्स लवर सलमान खान के साथ रीयूनाइट किया। तब से ही मानो कटरीना की किस्मत चमक गई और उन्होंने दो और बड़े प्रोजेक्ट्स किए साइन। एक था आमिर खान के साथ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और दूसरा शाहरुख खान के साथ जीरो। अब इसके साथ कैट बन गई हैं बी टाउन की इकलौती अभिनेत्री जिन्होंने बैक टू बैक इंडस्ट्री के तीनों बड़े खान्स के साथ किया है काम। और अब जब प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म भारत से किनारा कर दिया तो ये प्रोजेक्ट भी कैट की ही किट्टी में चला गया। इन सब के दौरान कैट ने कभी भी हार नहीं मानी और वो हमेशा अपना फाइटिंग स्पिरिट दर्शाती रही। ऐसे में हमने एक बार फिर इस सल्फी डीवा को अपने स्वैगी और ऊंफ वाले एटीट्यूड के साथ वोग इंडिया के दिसंबर एडिशन के कवर पेज पर पोज करते देखा। माय माय, इस पिक की एक झलक से ही हमें तो ठंडी में पसीना आने लगा और हमें यकीन है कि कैट की इस ऑसम पिक के चलते वोग इंडिया को काफी फायदा होगा, है ना? शादी का सीजन किक स्टार्ट हो चुका है और इस बार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की कई जानी मानी हस्तियों ने अपने रिश्ते को एक नया मुकाम दिया है। वेल, इस सीजन की हाईलाइट थी दीप वीर की शादी जो कि इटली में हुई थी। उसके कुछ ही दिन बाद प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की रॉयल इंडियन वेडिंग जो कि राजस्थान में हुई थी। और अब इस शादी के कुछ दिन बाद ही एस कॉमेडियन कपिल शर्मा अपनी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड गिन्नी को अपनी पत्नी बनाने वाले हैं। जी हाँ, ये सच है। कपिल और गिन्नी कर रहे हैं शादी और वो भी एक टिपिकल पंजाबी स्टाइल में। फगवाड़ा में होने वाली ये शादी की गेस्ट लिस्ट तो सभी को चौंका देगी। सूत्रों के अनुसार इन दोनों ने अपनी शादी में 2000 लोगों को किया है इनवाइट, जिनमें से प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर रामनाथ कोविंद के अलावा कई और पॉलिटिकल लीडर्स भी होंगे। इसके अलावा शाहरुख खान और सलमान खान जैसे कई स्टार्स भी इस शादी में शरीक होंगे। तो अब एक बुरे वक्त के बाद हमें उम्मीद है कि इस शादी के बाद कपिल की किस्मत एक बार फिर चमकेगी। तो जब तक हम कपिल गिन्नी की वेडिंग की और अपडेट्स आप तक लेकर आते हैं, आप भी अपने कमेंट्स और विशेस नीचे दिए सेक्शन में शेयर करते रहिए और बॉलीवुड की ऐसी ही कई मजेदार खबरों के लिए देखते रहिए मूवीज अड्डा। आनंद एल राय की आने वाली फिल्म जीरो की रिलीज में अब 15 दिन भी नहीं रह गए हैं और ऐसे में फिल्म के प्रमोशंस और भी इंटेंस हो गए हैं। सूत्रों की माने तो किंग खान शाहरुख कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 12 के ग्रैंड फिनाले पर 2 दिन तक अपनी फिल्म को एक्सटेंसिवली करने वाले हैं प्रमोट। पर इससे पहले फिल्म की लीडिंग लेडीज ने भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हुए हाईली कम्पेटिटिव शो इंडियाज गॉट टैलेंट पर किया प्रमोट।
जी हाँ, ये वही शो है जिसमें देश भर के टैलेंटेड लोग अपना हुनर दर्शाते हैं। वेल, IGT जैसे पॉपुलर मंच पर अनुष्का शर्मा और कटरीना कैफ को अपनी फिल्म को प्रमोट करता देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। इन दोनों लेडीज की बॉन्डिंग जब तक है जान के दिनों से ही काफी स्ट्रांग है। ऐसे में इन दोनों ने ऑडियंस को एंटरटेन ही नहीं बल्कि इम्प्रेस भी किया। और अब फिल्म जीरो की इतनी प्रमोशन और हाइप को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म यकीनन बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर देगी, है ना? आखिर एक लंबे इंतजार के बाद फिल्म जीरो का इश्कबाजी गाना हुआ अनवेल, और इस गाने ने तो इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा दिया है। ये गाना काफी खास है क्योंकि इस गाने में हमें एक बार फिर दोनों खान्स बड़े पर्दे पर नजर आए। इससे पहले ये नजारा हमने फिल्म ट्यूबलाइट में देखा था, मगर रुकिए, ये क्या बॉलीवुड के सुल्तान और बादशाह दोनों एक दूसरे की कर रहे हैं नकल? जी हाँ, ये सच है। इस गाने में शाहरुख खान अपने बौआ सिंह अवतार में सलमान खान का फेमस टाल स्टेप करते नजर आ रहे हैं। वहीं करिश्मेटिक सलमान भी किंग खान का सिग्नेचर पोज इमिटेट कर रहे हैं। अब ये नजारा किसी भी मूवी बफ को दीवाना कर सकता है। तो इस खास सीन को देखने के लिए हम इस गाने को लूप में देख रहे हैं। तो क्या आपने भी इश्कबाजी गाने में दोनों खान्स की इस नकल को किया है एंजॉय? हमें जरूर बताएं। कल ही हमने आपको बताया था कि सलमान खान फुकेट में कुणाल और दिव्या की रिसेप्शन अटेंड करने गए। ये दोनों सिंगर मिका सिंह के काफी क्लोज हैं। हालांकि मिका को खुद यकीन नहीं था कि सलमान रिसेप्शन अटेंड करेंगे, उन्होंने फिर भी दबंग खान को बड़ा भाई मानते हुए इनवाइट किया। अब सलमान तो है ही नरम दिल के, तो वो तुरंत अपनी टीम के साथ फुकेट के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने नए जोड़े को विश किया। यहां रिसेप्शन पर भी उन्होंने कोई स्टारी एटीट्यूड नहीं दिखाया और वो सभी मेहमानों के साथ बड़े आराम से बातें कर रहे थे। यहां हम हमारे दबंग खान को इंटरनेशनल म्यूजिक आइकॉन एकॉन के साथ इंटरैक्ट करता देख सकते हैं। एकॉन वही सिंगर हैं जिन्होंने सालों पहले शाहरुख खान की फिल्म रावण का छम्मक छल्लो गाना गाया था। ऐसे में ये मीटिंग काफी यादगार रही और इन दोनों को बातें करता देख हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही एकॉन सलमान खान के लिए भी एक हिट गाना गाएंगे। फिलहाल बस इतना ही, मगर बॉलीवुड की ऐसी कई और मजेदार खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और अपने कॉमेंट्स नीचे दिए गए सेक्शन में शेयर करते रहिए। यिप्पी, वाओ, इंटरनेट इन दिनों इन शब्दों से गूंज रहा है क्योंकि फिल्म जीरो के मेकर्स ने अपनी फिल्म का एक बहुत ही खास गाना किया है अनवेल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इश्कबाजी गाने की, अजय अतुल का वो गाना जिसमें एक नहीं बल्कि दो दो खान नजर आएंगे। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि सलमान और शाहरुख का ये खास सेलिब्रिटी गाना सुखविंदर सिंह ने गाया है और ये जल्द ही अनवेल किया जाएगा। तब से ही लोग सांस रोक कर इस गाने का कर रहे थे इंतजार। नो वंडर, जैसे ही ये गाना लॉन्च हुआ, व्यूज के नंबर्स जंप होते गए और फैंस इंटरनेट पर इस गाने की झलक पाने और इसे इंजॉय करने के लिए क्रेजी हो गए। नतीजा, वेल, फैंस का एक मेडली जो सच में देखने लायक है। तो क्या आपने अब तक फिल्म जीरो के स्पेशल इश्कबाजी गाने को किया है एंजॉय? नीचे दिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हाल ही में कटरीना कैफ वोग मैगजीन के कवर पेज पर नजर आई और यहीं उन्होंने दिल खोलकर अपनी लव लाइफ के बारे में बातें भी की। जब कैट से उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि वो नॉन एग्जिस्टेंट है, मगर जब उनसे उनकी जिंदगी में हो रहे पॉजिटिव हैपनिंग्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि उनका और उनके एक्स बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर का ब्रेकअप।
अब ये जवाब तो वाकई में काफी चौंका देने वाला था। कैट ने आगे कहा कि ये सच में एक ब्लेसिंग ही है। इस बात से चौंक कर जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें कोई रिग्रेट है, तो उन्होंने जवाब में कहा, रिग्रेट एक यूजलेस इमोशन है। अब कैट के ये जवाब सुनकर हमें यकीन हो गया है कि वो बड़े पर्दे पर ही नहीं बल्कि असली जिंदगी में भी एक टाइग्रेस है। आपको नहीं लगता? अपनी राय हमें जरूर बताएं।